अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है आलू के चिप्स। आज हम आलू के चिप्स बनाएंगे जिन्हें आप 6 महीने से लेके साल भर तक स्टोर कर सकते हो। आपके चिप्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इनको बनाना कैसे है, चलिए वो सब देख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने आलू लिए हैं, ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। यहाँ पे आलू आप अपनी पसंद से ले लें, चाहे तो 1 किलो ले लें, 2 किलो ले लें, चाहे तो 4 किलो ले लें, क्योंकि ये जो चिप्स हम आज बनाने वाले हैं ये ख़राब होने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको छील के कर लेते हैं तैयार। तो मैं इनको छील के तैयार कर लेती हूँ। तो ये आलू मैंने छील के कर लिए हैं तैयार। ये देखिए, मैंने इसको छीनने के साथ साथ पानी में डाल लिया है, ये देखिए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसको कट करने के लिए मैंने ये एक कटर ले लिया है, चिप्स कटर। अब हम इसको इसमें से निकालेंगे, ऐसे करके हम इसको कट कर लेंगे और साथ साथ हम इसको पानी में ही डालते रहेंगे, वरना तो ये काले पड़ जाएंगे। तो ये देखिए, इसी तरह हम सारे देखिए, मैंने सारे आलू कट कर लिए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत हमारे चिप्स बन के हो गए हैं तैयार। मैं इनको धो के लाती हूँ। 3 से 4 दफ़ा हमें इनको अच्छे से धो लेना है, इसका जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ कर देना है हमें। तो मैं इनको देखिए, मैंने आलू को बिल्कुल साफ़ कर लिया है धो के, अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो गया है इसका पानी। तो हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही पानी में और गैस पे रख लेते हैं पानी उबलने के लिए, जिसमें हम इनको उबालेंगे। ठीक है, मैंने चिप्स को अच्छे से धो के कर लिया है बिल्कुल साफ़, इसका पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए और गैस पे रख लेते हैं पानी उबलने के लिए, हम इनको उबालेंगे। ठीक है, तो ये मैंने गैस पे पानी रख दिया है उबलने के लिए। ये देखिए, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पानी में उबाल आ गया है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक और अब हम इसमें आलू डाल देंगे, चिप्स जो हमने तैयार करके रखे हैं। अब हम इनको डाल देंगे अच्छे से, मैं यहाँ पे सारे चिप्स डाल दूंगी और अब हम इनको उबालेंगे। हम इनको एक उबाल आने तक उबालेंगे, ज़्यादा नहीं उबालना है, बस एक उबाल आ जाने देना है। जैसे इसमें एक उबाल आ जाएगा, हम इसको एक छन्नी में रखेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। तो ये हमारे चिप्स में उबाल आ चुका है। तो ये देखिए, मैंने चिप्स को छलनी में रख के इसका सारा पानी निकाल दिया है और ये बिल्कुल ड्राई से हो गए हैं। अब हम इनको धूप में फैला के आते हैं। तो धूप में इसको हमें ऐसे फैलाना है, कोई कपड़ा भी छा लेना है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, क्योंकि छत पे बहुत ही धूप है, वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एक एक करके ऐसे फैला देना है, ऐसे करके ऐसे, और ये एक दिन की धूप में ही बिल्कुल तैयार। तो ये हमारे चिप्स अच्छे से सूख चुके हैं, ये देखिए, एक दिन की धूप में ही ये बिल्कुल सूख के हो गए हैं तैयार और ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ये अब हमारा ऑयल मीडियम गर्म हो गया है। मैंने मीडियम गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है। इसको एक बार मीडियम गर्म करने के बाद आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो जले ना, तो इसलिए आपको इसका फ्लेम गैस का बिल्कुल स्लो कर देना है। तो ये देखिए, हमारे चिप्स फ्राई हो चुके हैं। जो जो हमारे चिप्स फ्राई हो गए हैं हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इसी तरह हम सारे चिप्स फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे आलू चिप्स बन के हो गए हैं तैयार। बहुत ही बढ़िया बने हैं, क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छे है। आप इनको ज़रूर से बनाइएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।